जी एक और बात, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आखिर तक देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें लाता हूँ और कितने मुफीद मशवरे आपको देता हूँ, और मशवरों के साथ साथ आप मुझसे राबता भी कर सकते हैं। अऊज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को जुमातुल मुबारक। मैं और मेरा बेटा आज जुमा पढ़ने मस्जिद में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुमा पढ़ के वापसी आते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आज का मिलाप सुनूँगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा की है खैर खैरियत के साथ। और सब के लिए दुआ की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत के लिए दुआ की कि अल्लाह तबारक व ताला इस सारी उम्मत के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ अता फ़रमाए, इनको 5 वक्त नमाज पढ़ने की हदायत दें और तौफीक अता फ़रमाए, इनकी औलादों को नेक बनाएँ और आप सब की मुश्किलात अल्लाह पाक दूर करें। और इसी के साथ मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो चूज़े हैं, जो मुर्गियों का ये शेड है, तो आजकल गर्मी बहुत है, अभी भी गर्मी की शिद्दत इतनी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। आज भी 45, 46, 47 डिग्री तक टेम्परेचर है, गर्मी बहुत है। तो गर्मी के साथ आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखें बेशक मुर्गियों का जो हांकना है, जो ये हांकती हैं, सांस लेती हैं, देखें ये सारा गर्मी की वजह से है। इसका एक हल ये है, वो मैं भी आपको बताता हूँ, ये देखें ज़रा। ये देखें, ये देख लें किस तरह ये सांस ले रही हैं, ये देखें मुंह खोल खोल के, क्योंकि गर्मी की शिद्दत की वजह से ये इस तरह कर रही हैं। तो इसका एक हल है, वो आसान है, पंखा कूलर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसका ये होता है कि मैं कल भी बताया था एक वीडियो में कि आप इसको पानी वाली बोतल के साथ इसके ऊपर फुहार लगा सकते हैं। वो किस तरह, वो इस तरह, ये अल्हम्दुलिल्लाह पानी की बोतल ठंडे पानी से भर लेनी है। ये एक बोतल काफ़ी होती है, एक जो शेड है ना उसकी मुर्गियों के लिए, इनको भर लिया, ये आपने पंप इसके ऊपर लगा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पंप को कस लिया, अब इसको पकड़ लेना। पहले इसका आपने फुहार देखना कि ये पूरा, ये देखें, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ये इस तरह जाए जिस तरह ये बारिश जाती है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से करम से, तो ये इनकी गर्मी दूर हो जाएगी, जितनी भी गर्मी हो। तमाम शेड वालों को ये मेरा पैगाम है, को जिनको ये 2-3 बोतलें ले लें, जिनके बड़े शेड हैं, यानी कि ऑलमोस्ट उनके पास हज़ारों की तादाद में मुर्गी हैं, वो जो हम खेतों में स्प्रे करते हैं ना, वो वाली ले लेनी है। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब इनकी जो कलगी होती है ना, ये इसके ऊपर कलगी रेड कलर की, ये जब कलगी के ऊपर ये फुहार पड़ती है, तो इनकी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गर्मी दूर हो जाती है। ये इसका बेहतरीन हल है इनकी गर्मी दूर करने का, इनको नहलाना नहीं है, ये ना हो कहीं के खुदा ना खास्ता मरने लग जाए, ये वाला ये फुवारा अल्हम्दुलिल्लाह। साइड में आ चुके हैं, इसकी भी बारी इसी तरह, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें शावर चल रहा है, देखें इनकी भी गर्मी इसी तरह दूर होगी, देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से करम से सारा अभी एक्टिव हो जाएगा। और एक और बात जो मैंने आपको बतानी है, वो ये शावर के बाद मैं आपसे बात करता हूँ, अभी बात क्या करनी है करके दिखाता हूँ, शावर एक दफा हम चला लें सारा। जी वो मुर्गियों के मतलब 2-3 बातें ये थी, आप लोगों को ये बताना था मैंने, अगर आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, आसान से तरीक़ाकार हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आपको कोई पैसे खर्च करने पड़ेंगे, नहीं,
वो ये है कि जिस तरह मैंने अभी वीडियो में आपको दिखाना है कि एक शावर की बोतल ले लेनी है आपने, इसकी कलगी, कलगी जो होती है ये इसके ऊपर जो कलगी होती है ये सारी गर्मी यहाँ से कंज्यूम करता है। आप शावर में ठंडा पानी ले लें, शावर को चलाएं बारिश की तरह, फुहार इसके ऊपर लगाएं कलगी के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी गर्मी बेहतरीन हाल ये है गर्मियों का, इसको गर्मी नहीं लगेगी। एक हाल हो गया ये। दूसरा हाल आप लोगों ने ये करना है कि आप इसको गर्मियों के मौसम में, अभी गर्मी है, फ्रेश पानी ताज़ा 3 से 4 दफ़ा रोज़ाना रखना है, गर्म पानी उठा लेना है, ताज़ा पानी इनको रखना है। नंबर 3, ग्लूकोज आम बाज़ार से मिल जाता है, पंसारी की दुकान से आपको 1100 या 150 केजी, 1 केजी मिल जाएगा 100 में या 150 में, तो वो आपने ले लेना है। 2 चम्मच, एक कैन पानी होता है 6 लीटर या 8 लीटर की कैन होती है शूज़ों की, तो आपने उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच ग्लूकोज डालना है। ग्लूकोज डाल के आपने वो पानी सुबह सुबह रखना है। सुबह सुबह रखने का ये मकसद होता है कि एक तो ये होता है कि वो सुबह का जो टाइम होता है जब वो पानी पी लेगा ग्लूकोज वाला, तो सारा दिन इसका मैदा इसका अंदर ठंडा रहेगा। ये 2-3 चीज़ें, फुल गर्मी जितनी मर्जी गर्मी हो ये चीज़ों पे आप अमल कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी आपका चूज़ा, आपकी मुर्गी कभी भी बीमार नहीं होगी, जज़ाकअल्लाह जी। और ये कि मैं पूरे पाकिस्तान में और उसके अलावा आउट ऑफ कंट्री जहाँ भी मुझे सुन रहे हैं, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फी सबीलिल्लाह 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। कहीं कोई परेशानी ना हो तो फ़ोन ना उठाऊँ, नहीं तो मैं आप लोगों का फ़ोन उठाऊँगा और फी सबीलिल्लाह आप लोगों को हर किस्म का मशवरा दूंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ, मेरी वीडियो को शेयर करें। और आपने एक काम ज़रूर करना है, वो ये कि मेरे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना है, आपको कोई मसला भी हो, किसी किस्म का मसला दरपेश हो, आपने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा आप मुझे याद कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपकी मुर्गी, आपके चूज़े का सारे मसले फीस भी लीला हल करूँगा। आप अगर मुझे विज़िट पे भी लेके जाना चाहते हैं मैं विज़िट भी करूँगा, फीस भी लीला, कोई चार्जेस नहीं, बस मुझे ले जाएँ और मुझे छोड़ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकअल्लाह, खुश रहें, दुआओं में याद कीजिएगा अपने भाई को और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।